यादव का फर्रुखाबाद दौरा, सुबह की कार्यशाला में पहुंचेंगे अखिलेश। और समाजवादी पार्टी की 3 दिवसीय कार्यशाला है, शाम 4 बजे अखिलेश पहुंचेंगे फर्रुखाबाद। सभी पदाधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं, 2022 चुनाव की तैयारियों का देंगे निर्देश। और फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें यहाँ पर अखिलेश यादव फर्रुखाबाद के दौरे पर हैं और सपा की कार्यशाला में पहुंचेंगे अखिलेश। और समाजवादी पार्टी की 3 दिवसीय कार्यशाला है, शाम 4 बजे अखिलेश यादव फर्रुखाबाद पहुंचेंगे, कई पदाधिकारियों को निर्देश भी देंगे और 2022 चुनाव की तैयारियों पर निर्देश देंगे। फर्रुखाबाद में ही रात्रि विश्राम करेंगे अखिलेश। और डाबरेली हाईवे पर BRS लॉन में कार्यशाला है अखिलेश यादव का फर्रुखाबाद द्वारा। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें शाम 4 बजे तक अखिलेश यादव फर्रुखाबाद पहुंचेंगे और का स्वागत करने के लिए एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहले से ही तैयारियां कर रहे हैं। आपको बता दें 2022 चुनाव की तैयारियों को ले ये तैयारियां की जा रही है। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए और क्या कुछ खास होने वाला है अखिलेश यादव के इस दौरे पर इस बार? आप बिल्कुल मनीष जी, बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है कि कार्यशाला का आयोजन किया गया सपा द्वारा। यहाँ पर जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव जी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वहीं पर यहाँ पर 4 बजे पहुंच जाएंगे और वहाँ पर पहुंच के जो है कि पूरे जो है कि अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ पर जो है संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे किस प्रकार के चुनाव को मतलब तैयारी करना है और किस स्तर से बूथ स्तर पर उनको जो है कि जाकर जनता को मतलब जो समझाना है, अपनी नीतियों को समझाना है, इस प्रकार पूरी तैयारी की जा रही है। और वहीं पर पूरी यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है कि वहाँ पर आ रहे हैं अगले काफी समय बाद यहाँ पर फर्रुखाबाद पहुंच रहे हैं, तो कई भी तैयारियों को लेकर जो है यहाँ पर उत्साह दिख रहा है। अब कुछ ही समय में यहाँ पर जो है कि यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और वो निरीक्षण भवन पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करने के बाद कल यहाँ से जो है लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र।